भोपाल में 2 अक्टूबर को जब सीएम मोहन यादव पैरालंपियंस का सम्मान कर रहे थे, इस दौरान कपिल परमार ने सीएम मोहन के कान में कुछ कहा। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार 2 अक्टूबर को विक्रम अवार्ड से सम्मानित 17 खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र दिया। कुल 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देना था, लेकिन 10 खिलाड़ी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस दौरान ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने सीएम के कान में कुछ कहा था, जिसका खुलासा उन्होंने द सूत्र के स्टूडियो में किया। माननीय मोहन यादव जी आए तो उन्होंने किसी वैसे बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो उनका जैसे बोलना हुआ कि हमने ये किया वो किया और सागर को ये दिया वो दिया, तो उतने में उनका माइक बंद हुआ, उतने में मैं बोल दिया भारी आवाज़ में कि सर आपने सागर भाई साहब के लिए 1 करोड़ रुपए और DSP पद दिया और आपने सडनली उनको वीडियो कॉल की और उनको बोला कि सागर अभी तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आते हैं बेटा और आप तो हमारे DSP हैं, आप पुलिस विभाग के हैं, आपके तो सम्मानीय हैं। तो मैंने बोला सर ना तो आपने हमें वीडियो कॉल किया, ना ही आपने एक फोन लगाया, ना ही आपने ट्वीट किया। जब दूसरों का ट्वीट न माननीय नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखा, उसके बाद आपने ट्वीट किया, आपने के सोशल नेटवर्किंग पे आपकी टीम ने डाला, तो उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। पर एक मेरी बात सुनिए आप कि हमें भी जब मोदी जी भेदभाव नहीं करें तो प्लीज़ आप भी भेदभाव ना करें। तो उन्होंने बोला बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा सर हमें भी 1-1 करोड़ रुपये और 1 ग्रेड की नौकरी चाहिए। तो बोले ठीक है हम तुम तीनों चारों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं और पूछते हैं खेल विभाग से क्या नियम है। मैंने कि नियम होगा तो फिर हम रहेंगे नहीं मध्य प्रदेश में, फिर नियम ही आप पालन करते हो। बोले उन्होंने नाराज मत हो तुम हमारी पार्टी के आदमी वैसे करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, कपिल ने सीएम से नौकरी देने की मांग की थी, इस पर सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इस बारे में कुछ करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में पहले नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।